मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ वो जर्नलिस्ट भी है, तो वो कहते हैं मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ मुझे उससे पैसे भी नहीं आते, वो इतना मसला नहीं क्योंकि मेरी हर चीज़ सेंसर्ड है, मुझे मज़ा ही नहीं आते, मतलब मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं क्वेश्चन पूछ सकता। आईन से नहीं डराया जाता हमें, कानून से नहीं डराया जाता हमें, वीगो डाले से डराया जाता है। मतलब ये स्टेट जो है ये आईन का नहीं है, ये स्टेट है वीगो डालेगा। अबे ये बात मत करो वीगो डाला जाएगा, अभी वीगो डाला क्यों आएगा। मैं जो हम है जो पब्लिक है जो आम आवाम है उनकी इंजीनियरिंग होती है, उनको ना उनकी जो माइंड की थॉट्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमारा स्टेट दो दो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, एक मुल्ला एक आर्मी, ठीक है। मैं ये मानता हूँ वो दो इंस्टीट्यूशन जो है जब तक इनका पावरफुल रहना, मतलब इसी तरह पावर मेंटेन होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चीज़ें डिफॉल्ट कर जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, 2 लाख 3 लाख उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ही सारा बिगड़ जाएगा। तो दुनिया हमको डिफॉल्ट होने नहीं देंगी बट हमको अच्छा भी होने नहीं देंगी। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। ये वो सवाल है जो बहुत बरसों से मेरे अपने दिमाग में था और बहुत सारी ऑडियंस ने भी मुझे रिकमेंड किया कि प्लीज हम लोग फॉरन में रह के भी ये बात सोचते हैं कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं करते। तो वो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर गया, गुजर रहा है और आने वाले टाइम में आसार भी गुजरने के नजर आ रहे हैं, मगर ऐसे हालात में पाकिस्तानी अवाम इतना जज्बाती होने के बावजूद भी बोलती क्यों नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती, एहतजाज करके बड़ी आवाम में बड़ी तादाद में बाहर क्यों नहीं निकलती। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या उनको इन क्राइसिस के साथ रहने की आदत हो गई है या इन फ्यूचर भी वो इनके साथ ही रहना चाहते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी आवाम से, हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, तब तक के लिए कीप ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, अनीस मेरा सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान के अंदर अभी करंटली कितने ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमें फेस करने पड़ते हैं, कभी बिजली के, कभी पानी के, कभी करप्शन के, कभी लोड शेडिंग, मतलब हर तरह के सिनेरियोस, कभी एजुकेशन सेक्टर्स हमारे जो हैं लैक कर रहे होते हैं, कभी हमारा कोई पूरा प्रोविंस ही क्राइसिस में घिरा हुआ होता है, फ्लड से निकले तो फलां चीज़ में लोड शेडिंग में घुस गए, लोड शेडिंग से निकले तो हमारे यहाँ मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स, हम हर गुजरते दिन के साथ इतना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं मगर फिर भी आवाज़ बड़े लेवल पे क्यों नहीं उठाई जाती। 2-4 लोग उठा के प्रोटेस्ट करें उसको तो कोई नहीं सुनता, धरनों की बात हो तो हम बहुत बड़ी कतार में निकल जाते हैं मगर जब बात हो अपने हक के लिए लड़ने की, पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल पम्प पर तो सब पहुँच गए मगर एहतजाज किसी ने नहीं किया, क्या वजह? सबसे पहली बात, हमारी स्टेट, हम बदकिस्मती से ऐसे स्टेट में रहते हैं जो हमारी हर थॉट्स की इंजीनियरिंग करती है। मतलब आपको कभी भी मतलब अगर हम स्टडीज़ की बात करें, आपको मेरे ख्याल में कभी नहीं बताया गया हो कि आपकी ही राइट्स है, आपको आपके राइट्स नहीं पता, ना कभी आपने जानने की जहमत भी की है, ऐसे फोकस ही नहीं किया गया है। हमारी जो इंजीनियरिंग होती है, हमारा स्टेट हमें इंजीनियर कर रहा है कि हम कैसे सोचें। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, मतलब स्टेट का काम क्या है, एक पब्लिक को फ़ायदा देना, ठीक है, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, बट हमारी स्टेट का काम क्या है, वो अपना फ़ायदा देखती है, मतलब जो चंद लॉबी इकट्ठी हुई है वो अपना फ़ायदा देखती है और जो और लोग होते हैं, जो हम है, जो पब्लिक है, जो आम आवाम है, उनकी इंजीनियरिंग होती है, उनको ना उनकी जो माइंड की थॉट्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आपने बात की प्रोटेस्ट नहीं होती या टेररिस्ट अटैक्स या ये या वो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है मंजूर पश्तीन की, वो आईन की बात करता है, ठीक है, वो आपको आईन के बारे में बात करेगा, उसने हमेशा आईन के ज़ुमरे में अंदर रह के बात की है बट हर बंदा उसको गद्दार कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि आईन का उनको पता नहीं है। इसमें हमारी गुनाह नहीं है, इसमें आपकी हमारी भी गुनाह है बट स्टेट की गुनाह है क्योंकि स्टेट ने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, एजुकेट नहीं किया। तो जो एजुकेशन नहीं की गई, जब मुझे मेरे राइट्स पता नहीं होगी मैं प्रोटेस्ट किस चीज़ पे करूं, मतलब प्राइस बड़े कम हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, अब मुझे मेरे राइट्स नहीं पता, मुझे मेरी पावर नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, लाइक मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल सर में। अगर किसी को अपने राइट्स पता भी हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा एजुकेट होके निकला, उसने सारा टाइम उसकी डिग्री ह्यूमन राइट्स पे है, उसने 4 साल 6 साल अपना दिमाग खपाया ह्यूमन राइट्स में, मुझे बताएं जहां सिस्टम ही पूरा ऐसा है वहां पे वो अकेला बंदा राइट्स को ले जाके क्या करेगा। देखिए ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सवाल तो करते हैं बट हम बहुत कम मिकदार में है फिलहाल के लिए,
मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ अभी एक रिवोल्यूशन आ रहा है, थॉट्स की रिवोल्यूशन आ रही है। आपने देखा होगा, मतलब मैं ये मानता हूँ, आप पंजाब में रह के मंजूर पश्तीन को आप सुनते हो, कम से कम अब सुनने लगे हो, मतलब एक चीज़ डिवेलप हो रही है। वो क्यों डिवेलप हो रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यार ये सब चीज़ तो गलत हो रही है। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया गया है कि सोशल मीडिया ने लोगों को सोचने का मौका दिया, उनको उनको एक अलग थॉट्स दिए। मतलब बुक्स के अलावा हमारी जो, हम अगर अपने सिलेबस में देखें, हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे फ़ायदे की होती ही नहीं है, या झूठ के झूठ बिल्कुल ऐसी है। तो हमने अभी अभी रह के जो हमारे थिंकर्स है, वो लोग पॉडकास्ट करते हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। मतलब वो हमें एक रियल नॉलेज देते हैं जो दुनिया का नॉलेज है, जो हमारा पाकिस्तान का कंस्ट्रक्ट किया हुआ नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो एक बंदा है, उसको तो पहले सबसे पहले इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, शायद वो उसमें मर भी जाता है। अभी एक ग्रुप आता है और उसको, मतलब हमारी जो टीवी चैनल्स है उस पर कवरेज तक नहीं दी जाती। मतलब सवात में प्रोटेस्ट हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ, अराउंड 7,000 to 8,000, मतलब मटा एक जगह है, वहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे निकले हुए थे दहशतगर्दी के खिलाफ। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको नहीं पता, तो मतलब और लोगों को कैसे पता होगा? हम उसकी बात करते हैं, ये लाइक हमारी मीडिया, हमारे जर्नलिस्ट, वो भी तो हमें वो नहीं करने देते ना। बाकी सबसे बड़ी बात ये, हमारी हर चीज़ सेंसर्ड है, स्टेट सेंसर्ड है, स्टेट ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। जब तक स्टेट कंट्रोल खत्म नहीं होगा, चीज़ें फ्री नहीं होगी, कोई भी बंदा निकलेगा वो नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगा, कौन उसको रिकॉर्ड देगा, कौन उसको कवरेज देगा? और सोशल मीडिया में मैं नहीं मानता हूँ इतना पावर है कि वो पूरी दुनिया को या पूरे मुल्क को कवर कर सके। मतलब कर रही है अभी, बहुत वो चेंज आ रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अनीस, आपने ये सारी जो बातें कही ना, इनके बाद आप मुझे बताओ, क्या बच्चों की, एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसकी बेस रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी थॉट्स में, हमारी डेवलपमेंट में? क्योंकि एक बच्चा पैदा हो के जो उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों से इंटरव्यूज किए, एक छोटा सा सवाल है, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया, तो दे सेड इंडिया बहुत बुरा है, बहुत बैड कंट्री है, वी हेट इंडिया। मुझे बताएं, इतने से बच्चे को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने नफरत डाली? तो ये एक एग्जांपल थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बच्चों की बेस में, रूट्स में डालते हैं, जो वो लेके ग्रूम अप होते हैं। तो इनका कोई, इस चीज का कोई रोल है इस सब में? मैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी, हमारा स्टेट नहीं है, हमारा स्टेट दो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, एक मुल्ला, एक आर्मी, ठीक है। मैं ये मानता हूँ वो दो इंस्टीट्यूशन जो है, जब तक इनका पावरफुल रहना, मतलब इसी तरह पावर मेंटेन होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अपने इंडिया की बात की ना, मतलब एक छोटा सा बच्चा, अब उसको क्या पता, लेकिन वो बड़ा हो के दुकानदारी में हिस्सा देगा, हमारी जो स्टेट की दुकानदारी हो चल रही है उसका हिस्सा देगा, तो उस हिस्से के लिए उसकी, इतने बच्चे को वो उसकी थॉट्स कंस्ट्रक्ट करना, आने वाली 7 नस्लों तक ये बात पहुंचाएगा कि वो हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली, हमारे ना वो थॉट्स बचपन से ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो फिर जब वो बड़ा होता है वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते बच्चे को, क्योंकि हम सिखाएंगे, हमारे स्टेट का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है, तो हमसे तो ये नहीं हो पा रहे। तो मैं ये मानता हूँ इसमें बहुत बड़ा किरदार है इस चीज का। हमारी सारी दुकानदारी इसी चीज पे चलती है, कश्मीर पे चलती है। हम, हमारे पास जायंट बैठा हुआ, इंडिया जायंट है ट्रेड का, ठीक है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है सिवाय हमारे। एग्जैक्टली, और वो जायंट है, एशिया का जायंट बना हुआ है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम क्या है, हमारा दुश्मन है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अभी अगर हम उनके साथ ट्रेड करें, हमारी बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती है, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा होता है। मतलब हम यहाँ पे, यहाँ से अमरीका चीजें पहुंचाए, ठीक है, हमारे उस पर कितना कॉस्ट आता है, हमारी चीजों की जो वो फकी है, तो वो चीज होती है, वो वैल्यू नीचे गिर जाती है। अब हम यहाँ पे नेबरिंग कंट्री में दे दें, तो हमारी चीज की वैल्यू भी बढ़ेगी, हमारा कॉस्ट भी कम आएगा, और इससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। डू यू बिलीव कि पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है जन्म देता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं सैयद मुजम्मिल को सुनता हूँ, और वो, मतलब एक बात कहा करते हैं, उसके यूट्यूब चैनल है, वो कहते हैं मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ, वो जर्नलिस्ट भी है, तो वो कहते हैं मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ, मुझे उससे पैसे भी नहीं आते, वो इतना मसला नहीं, क्योंकि मेरी हर चीज़ सेंसर्ड है, मुझे मज़ा ही नहीं आते। मतलब मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब मैंने इसी जुमरे में रह के मैंने बात करनी होती। जब मैं अपने यूट्यूब पे आता हूँ, मतलब ऑल दो सेंसर्ड होती है हमारी, मेरी वीडियोज डिलीट हो जाती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लोगों को एजुकेट कर सकूं। एग्जैक्टली, अनीसा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ रोज पहले की बात है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ट्वीट की थी ट्विटर के ऊपर,
कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए कोई मुल्क पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नीचे एक आम शहरी ने कमेंट किया हुआ था, सर यही बात अगर हम कह दें तो अब वीगो डाला भेज देते हैं। एग्जैक्टली यही से मसला, मीमर्स ने बहुत उठाया उसको। हम हमारा मंजूर एक बात कहा करते, मंजूर पेश्तीन वो कहा करते हैं कि हमारे पास, हमें आईन से नहीं डराया जाता, हमें कानून से नहीं डराया जाता, हमें वीगो डाले से डराया जाता है। मतलब ये स्टेट जो है ये आईन का नहीं है, ये स्टेट है वीगो डालेगा। अबे ये बात मत करो, वीगो डाला जाएगा, अभी वीगो डाला क्यों आएगा? मैं यहाँ अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ तो वो जवाब देते हुए घबरा रहे होते हैं, नहीं भाई हमारे घर के बाहर डाला आ जाएगा, आप तो चली जाएंगी करके, आपसे पहले मेरे घर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बन गया ना। एग्जैक्टली और जब तक अभी मैं मतलब एक चेंज आ रहे लेकिन वो बहुत स्लो है, स्लो बहुत ज्यादा। मतलब हमें कोई 10 to 20 ईयर्स चाहिए होगी उस गैप को खत्म करने के लिए, तब मुझे लगता है लोग बोलना स्टार्ट करेंगे और लोगों के पास जो पावर है ना, जो 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 पावर अवाम के पास होनी चाहिए, जो हमारे अभी इंस्टीट्यूशन जिन पे काबिज है, वो वापस अवाम के पास आ जाएगी। अनीस आपने कहा कि 10 से 20 साल, मुझे तो लगता है खैर इससे भी ज्यादा लगेंगे, लेकिन इतने सालों में जो हमारे कंट्री के हालात हैं, डू यू थिंक कि इतने सालों तक हम स्टेबल या डिफॉल्टर ना हो के बच पाएंगे? मैं उस दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था परवेश हुड्डा की, वो कहते हैं कि दुनिया हमें डिफॉल्ट होने नहीं देंगी, क्योंकि यूरोप है या फिर अमेरिका है, वो इतने रिफ्यूजीज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब हमारे यहाँ पे चीजें डिफॉल्ट कर जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? 2 लाख 3 लाख उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ही सारा बिगड़ जाएगा। तो दुनिया हमको डिफॉल्ट होने नहीं देंगी, बट हमको अच्छा भी होने नहीं देंगी। हमारी अपनी मसला है यार, एक बात है कि जो हमारे बाहर के लोग हैं, मतलब 1 लाख 10 लाख, वो हमारे इकोनॉमी का 30% देते हैं। हम यहाँ पे 22 करोड़ अवाम, 1 करोड़ हमारा बाहर है, और 22 करोड़ अवाम हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं? 70%। यार एक छोटा सा पोर्शन है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो हमें हमारे 30% ऑफ GDP वो जनरेट कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतने कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं है। तो ये बात भी है कि हमारे में कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं है। हम देश में क्या बना सकते हैं? सबसे बड़ी बात, हम देश में क्या बना सकते हैं? कुछ भी तो नहीं बना सकते। हमारे पास ट्रेड क्या है? हमारे पास ट्रेड वही आलू टमाटर प्याज जो स्पेन 1600 में करते थे, वो हम अब जाके अब करते हैं। और अभी भी आपको पता है हिंदुस्तान से हम टमाटर प्याज ले रहे हैं, अभी भी हमारे पास अपने नहीं है। और ऑल्दो हम एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है और पूरे एशिया में माने जाते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, लेकिन आफ्टर कोविड हमारी सब्जियां भी ट्रेड बाहर से होके आ रही है। एग्जैक्टली ये देखे ना, हमारे पास ना हमें चीजों को मैनेज करना नहीं आता है। सबसे बड़ा मसला ये है, मतलब अगर एक किनाल की जगह है, वहाँ से फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया 30 मन निकालता है, तो हम उससे 5 मन निकालते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ज़ाया हो रही है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फुकदान है, और हम जो लोग हैं वो रिजिलियंट है, मतलब वो नई चीजों को चेंज को इनोवेशन नहीं लेकर आते। एग्जैक्टली वो रिजिस्ट करते हैं, चेंज लेके भी नहीं आते और वो रिजिस्ट करते हैं कि ये चीज गलत है या ये चेंज आए भी ना। एग्जैक्टली ऐसी है, तो टेक्नोलॉजी को हम लेकर नहीं आते अपने करंट सिनेरियोस में। बिल्कुल ऐसी है, मैं यही मानता हूँ कि हम रिजिलियंट है, हमने रिजिस्ट करने टेक्नोलॉजी को कि ना आए, ऐसा ही है। रईस इसको थोड़ा सा एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं, मुझे बस ये बता दो कि डू यू बिलीव कि हमें इन क्राइसिस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और ये इन चीज़ों को पॉसिबल होने के लिए कितना टाइम पीरियड हमें और चाहिए होगा? खैर अभी तो प्रोटेस्ट चल रही है, मैं देख रहा हूँ, मतलब लाइक हर छोटी छोटी बात पे KP में बहुत सारे लोग, KP में लोग जो है हर बात पे अगर कोई मसला है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और उससे चेंज भी आने लगा है। जो चीज़ें ख़राब थी वो चीज़ें चेंज होती रही है, लेकिन उसके लिए मतलब अभी पंजाब जो है ना वो अभी सफ़र करने लगा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनली और लोग भी उनको फौजी भी उठाने लग गए हैं, तो अभी उनका जो वो चीज़ है वो अभी स्लो स्लो आ रही है। जब तक पंजाब नहीं आएगा हम बाकी सूबे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बहुत रियलिटी बिलीवर हो अनीस, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया लेकिन इतना ज़्यादा मुझे डेप्थ में जाके किसी ने एलैबोरेट नहीं किया। मुझे एक सवाल का जवाब दो, अभी करंटली जैसे भी जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, आटे में नमक के बराबर लोग अगर उठ के प्रोटेस्ट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, तो आगे से उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हर एक बंदा दूसरे से जंग लड़ रहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, दूसरा कहता है मैं शहबाज शरीफ के साथ हूँ, तो इन सारे सिनेरियोस को कहाँ, इसका एंड इख्तिताम आप कहाँ देख रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि अगर इस इमरान खान है, हम कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, हम इस पे बिलीव कर जाते हैं, बट अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देगा, इमरान खान एज अ सेल्फ इज एन एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या चाहता है? मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करो, वो मतलब अभी अगर हम उसके पिछले दौर को देखें, 45 ऑर्डिनेंसेस, मतलब
उसकी उसकी अटेंडेंस है असेंबली में 3%, ठीक है। सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, सारी लॉज कहाँ से आ रही है, प्रेजिडेंट हाउस से। ये इस चीज़ को अगर हम देखें, हमारे पास हम वो कॉन्स्टिट्यूशन टूटते हैं और हम उसमें कहते हैं कि खान साहब ने सरप्राइज दिया, हम ऐसी आवाम है। अब ये एजुकेशन कब आएगी? ये लोग पॉडकास्ट से आ रहे हैं, ठीक है, जो जर्नलिस्ट है बहुत बहुत काम कर रहे हैं, मैंने कुछ जर्नलिस्ट को जानता हूँ, और जो एक्टिविस्ट है मोस्टली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि चेंज रिवोल्यूशन इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सही, अनीस आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो है ना बिलीव करते हैं, अंधा वो भी ब्लाइंड बिलीवर्स हैं, और उसकी वजह से कोई सही है या गलत हम ये फर्क नहीं करते, हम बस ये फर्क करते हैं कि जो जिसके हम बिलीवर हैं वो सही ही सही है, वो गलत करे वो सही करे, वो आए वो ना आए, वो पार्लियामेंट में बैठे ना बैठे, वो सही है। हमें सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो बस जज्बाती हो, हमें जज्बात पे बहकना बहुत जल्दी आता है, जो डेस पे खड़ा हो तो डेस टूटने लगे उसकी धड़ 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 धड़। दैट्स इट। हम ये करें कि हम वहां पे जाके उसने उर्दू में बात की या इंग्लिश में, वो काम वो बंदा काम करे ना करे लेकिन उसकी आवाज में जज्बाती बन होना चाहिए, वो बोले ऐसे कि आवाम गूज़बम्स खड़े हो जाए, चाहे उसके बाद काम जीरो हो। तो ऐसी जब तक हम ये सोचते रहेंगे और ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो काम हो सकता। बिल्कुल ऐसी है हमारा देखिए ना, अभी एक कल्चर बना हुआ है, जब आप टीवी स्क्रीन को हमारा जो अभी का दौर है, आप टीवी स्क्रीन को कंकर कर जाते हो, आपको कोई अपनी काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई अपनी मतलब अभी 4 ईयर 5 ईयर इमरान खान की हुकूमत गुजरी है, कोई उससे ये नहीं पूछेगा आपने किया क्या है, क्यों? क्योंकि उसने टीवी स्क्रीन को कंकर किया है। जब आप टीवी स्क्रीन पे आ जाते हो और आप लोगों को पर्सुएड कर जाते हो, आपका काम सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, आपका बोलना प्राइमरी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, लोग जो है वो उसकी बातों पे ज्यादा जा रहे, उसकी कारकिर्दगी की भी कोई नहीं जा रही। ये तो वो कॉम है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा है व्हाई यू फेवर इमरान खान, तो उन्होंने कहा कि बस हमें उसकी पर्सनालिटी पसंद है, वो टिकटॉक पे स्लोमो बनाता है, तो क्या लगता है यार ये वजह थी उनको उसको एडमायर करने की। खैर, इस कॉम से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप किराए जान के व्यूवर्स जेथीन किराए वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। फर्दर वीडियोज के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।